सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल सिंपल लिविंग विद शेफ पर और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरी वीडियो का सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सिंपल लिविंग विद शेफ पर। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपना किचन टॉवल, जो किचन में जो टॉवल यूज करते हैं अक्सर बहुत गंदा हो जाता है, जैसे बहुत सारे तेल के दाग लग जाते हैं और कुछ लग जाता है जिससे बहुत स्टिकी हो जाता है और गंदा हो जाता है, जो वॉश करने पर भी नहीं निकलता। तो बहुत आसान तरीका मैं बताऊंगी आपको कि आप किस तरह इन टॉवल को वॉश कर सकती हैं। तो सबसे पहले इसके लिए मैं लूंगी ये पानी, सिंपल वाटर, नल का पानी सिंपल है, गर्म नहीं है अभी। आप इसमें सर्फ डाल लीजिए, थोड़ा सर्फ ज़्यादा डालना पड़ेगा आपको क्योंकि काफ़ी ये स्टिकी रहता है, और उसे आप अच्छी तरह मिला लीजिए। इस तरह उसके बाद हम लेंगे गर्म पानी। मैंने पहले गर्म पानी इसलिए नहीं मिलाया ताकि उसे मिलाने में मुझे आसानी हो। अब मैं इसमें गर्म पानी मिला लेती हूँ। उसके बाद मैं ये सारे टॉवल को डाल दूंगी और इसे आप आधा घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो ये देखिए टॉवल को आधे घंटे हो गए हैं और पानी भी लगभग ठंडा हो गया है। इसको मैं निकाल दूंगी, इसका पानी देखिए इस तरह गंदा हो गया है, और इसे फेंक दूंगी। अब क्या करना है, ये थोड़ा पानी आप ले लीजिए और इसमें थोड़ा और सर्फ डाल दीजिए। बाहर में बच्चों की आवाज आ रही है इसलिए सॉरी, और इसे साइड कर दीजिए और इसी रनिंग वाटर में जितना आपका गंदा निकल सकता है, आप देख सकते हैं कितना गंदा निकल रहा है, वो ऑयल के जितने भी रहते हैं सारे निकल जाएंगे इस तरह। मैं किचन टॉवल जनरली घर किचन में ही धोती हूँ, बाथरूम में धोना मैं प्रेफर नहीं करती हूँ क्योंकि हाइजीनिक मेंटेन करना भी जरूरी हो जाता है। तो इस तरह आप निकाल लीजिए और इस टॉवल को इसमें थोड़े देर के लिए 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। अब ये 5 मिनट हो गए हैं, बस अब इसको करना क्या है, हल्का हल्का रब कर दीजिए। और 3-4 बार पानी से इसे उठाल लीजिए और उसे फैला लीजिए। पानी बिल्कुल साफ है, मतलब टॉवल बिल्कुल साफ हो गया है। अब मैं इसे धूप में फैला दूंगी, जब ये ड्राई हो जाएगा फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देख सकते हैं ये टॉवल कितना क्लीन हो गया है, ये काफ़ी पुराना टॉवल है लेकिन अभी भी बिल्कुल न्यू लगता है क्योंकि मैं इसी मेथड से साफ़ करती हूँ। इसके चारों तरफ आप देखिए बिल्कुल कहीं पे भी गंदा, कहीं पे भी ऑयल का निशान नहीं, टर्मरिक जो हल्दी के निशान आ जाते हैं वो भी कहीं पे भी आपको नहीं दिखेगा क्योंकि मैं हर वीक इसी भी मेथड से इसको साफ़ करती हूँ। वीक में 2 बार हो जाता है इसको क्लीन करने का,
तो हर होम मेकर को चाहिए कि किचन के हर चीज़ साफ साफ रहने के साथ साथ टॉवल भी बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, क्योंकि इससे मैं रोटी भी बनाती हूँ और किसी भी सामान को हटाना है वो गैस से उतारना है नीचे, तो मैं टॉवल का ही यूज़ करती हूँ, तो इसलिए इसे क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। और ये काफ़ी हल्का हो गया है, क्योंकि जब बहुत गंदा हो जाता है तो ये बिल्कुल कड़ा हो जाता है और स्टिकी हो जाता है, भारी भी हो जाता है। अभी वॉश करने के बाद बिल्कुल हल्का हो गया है, तो आप देख सकते हैं बहुत अच्छा क्लीन हो गया। तो इसी मदद से आप अपना किचन टॉवल साफ़ कीजिए। और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, गुड नाइट।